हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अगला ब्लॉग होने वाला है मेरा बर्थडे ब्लॉग, तो आज है मेरा बर्थडे यानी 21 सितंबर, और मेरे सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। 20 सितंबर तक लास्ट एग्ज़ाम था, मतलब कल, और आज मैं बिल्कुल मज़े से हूँ। छुट्टी हो गई है मेरे स्कूल की कुछ दिनों के लिए, तो वही अब मेरे आराम है। ये बाल को क्या हो रहा है, तो वही अभी ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक क्लिप देख लो जो कि अभी नहाने के पहले का क्लिप है। देखिए गाइस, तो मम्मी अभी मिक्स वेज और मटर मशरूम बनाने का सब तैयारी कर चुकी हैं। ये देखिए, बस बनाना है, डाल के भुनना है अच्छे से मसालों के साथ, तो वही तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये अदरक लहसुन ये सब, पनीर उनीर, पनीर जाएगा मिक्स वेज में, और मशरूम तो मटर मशरूम के लिए। तो दो टाइप की आज डिशेज बनेंगी, और भी बहुत कुछ बनेगा जो कि मैं आगे आप लोगों को ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे मशरूम की ग्रेवी जो कि अभी पिसेगा। भाई आज मेरे बर्थडे के दिन मम्मी बहुत कुछ बना रही हैं अभी। मैंने मम्मी को थोड़े से टिप्स दिए क्योंकि मम्मी को मशरूम हंस क्या रही हो, सच्ची में तुमको मशरूम बनाने थोड़ी ना आता। तो भाई मैंने कुछ टिप्स दिए, तो वही टिप्स को फॉलो करके मम्मी अभी मटर मशरूम और ये मिक्स वेज बना रही है। तो आज तो मेरा छुट्टी है, मैं कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ दिन भर का बहुत कुछ मैं करने वाला हूँ आज। और अभी तो मैं नहाया नहीं हूँ, अभी जा रहा हूँ क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। बस आप लोगों को दिखाने आया था कि मम्मी क्या कर रही हैं, तो आज मम्मी तो बहुत मेहनत कर रही है, तो वही अभी मैं जाऊँगा नहाऊँगा। ये रहा गाइस फ्रोजन मटर, जो कि दोनों ही डिशेज में पड़ने वाला है, मिक्स वेज और मटर मशरूम तो नाम ही है तो उसमें तो पड़ेगा। ये देखिए, ये आइस मेल्ट हो रहा है, तो ये देखिए देखिए, ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, लेकिन मैं लाइव देख सकता हूँ वेपर। ये देखिए, वाओ। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पे बन रहा है मिक्स वेज की सब्जी। मतलब इसको मम्मी ग्रेवी की तरह नहीं बना रही है, एक भुजिया की तरह बना रही है। तो ये देखिए गाइज, ये है मिक्स वेज जो कि बन के तैयार हो गया, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है। और ये देखिए, अब मिक्स वेज बन गया, अब बनने जा रहा है मटर मशरूम। तो मटर मशरूम के लिए सारी तैयारी हो गई, ये देखिए सारे मसाले वसाले सब कुछ, और यहाँ पे ग्रेवी भुन रही है, फिर उसके अंदर मशरूम डल गया और अब मटर भी डल रहा है। तो अब ये सब पक जाएगा, फिर पकने के बाद ये देखिए यहाँ। तो गाइज अब कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों ने क्लिप देख लिया तो गाइज यहाँ पे ये देखिए मम्मी ने मशरूम भी बना लिया, मिक्स वेज भी बना लिया, और खाते टाइम तो मैं दिखाऊंगा ही, आपने तो सब देख ही लिया, मिक्स वेज मशरूम ये सब। और अभी मैंने नहा के किया था पूजा, तो आज क्योंकि बर्थडे है तो मैंने पूजा किया। वैसे कई बार मैं पूजा करता रहता हूँ, लेकिन आज मैंने पूजा किया, तो वही भगवान जी में मैं बहुत मानता हूँ। मैं भी भगवान जी मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि जो मांगो वो मेरे को देते हैं, बहुत अच्छे हैं भगवान जी। ये देखिए गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस, अभी मैंने पूजा किया, ये देखिए, और ये एज अ प्रसाद मैंने चढ़ाया, ये देखिए। और अब मम्मी मेरे को टीका लगाने वाली हैं। ये देखिए गाइस, ये पूरा लुक है, ये छोटा सा मंदिर, ऊपर भी फूल और नीचे भी फूल चढ़ाया है मैंने, और यहाँ पे प्रसाद। गाइस यहाँ पे मम्मी आ गई दही चावल और टीका लेके, तो वही अभी मेरे को लगाने वाली हैं। अभी मम्मी वैसे नहाई नहीं है, मम्मी नहाएंगी, दीदी नहाएंगी, और पापा से भी मिलाऊँगा, पापा भी अभी नहीं नहाए हैं, और बाकी अभी गाँव से भी छोटी छोटी मम्मी सब लोग आएंगे तो उनसे भी दिखाएंगे। तो ये देखिए मम्मी टीका लगाई, दही जाके मत लगाना। ये देखिए गाइस, अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा बर्थडे बॉय की तरह फील हो रहा है। तो बस गाइस, आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। देखिए गाइस मम्मी मिठाई मस्त।
गाइस, अभी मैंने सबका आशीर्वाद वैसे तो ले लिया है, सबको मैंने फ़ोन करने वाले लोग उन लोगों को फ़ोन भी कर लिया, और यहाँ पे मतलब चाची, छोटी मम्मी और दीदी भैया से बात हुई, डोरी दीदी से और जीजू से और बापू से बात हो गई, मम्मी पापा इन सबका आशीर्वाद ले लिया, दीदी से भी बात हो गई। अब नाना बचे हैं तो नाना का भी पैर छूते हैं। अब नाना का आपको रिएक्शन दिखाते हैं। जन्मदिन हाँ चीज खाई भगवान शंकर जी मरे भगवान शंकर जी तारा के डीएम बना दे राजा बन के रहा भगवान शंकर जी के आशीर्वाद दे तारा तारा जय भगवान। नाना सर तो आपको मिला दिया, नाना ने डीएम बनाया मेरे को, डीएम बना रहे थे तो वही। और अब चलते थोड़ा नानी से भी बात कर लेते हैं। तो नानी तो है नहीं, तो नानी की यहीं से आशीर्वाद भाई। तो ये देखिए गाइस, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया है सबने, ये भैया का स्टेटस है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये रश्मि दीदी का स्टेटस, वो बाबू बर्थडे व्लॉग में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप लोग ज़रूर देखना, उसमें मैंने सुमन चाची को दिखाया था। ये बहुत अच्छी हैं, ये देखिए कितना लंबा चौड़ा लिखी हैं। फिर ये देखिए, ये गोल्डी दीदी का, सो थैंक यू सो मच टू एवरी वन। देखिए गाइस आज खाने में क्या क्या बना है, ये मटर मशरूम, फिर से ये मिक्स वेज, फिर ये पापा के लिए सादा दाल क्योंकि वो तड़का दाल नहीं खाते हैं, और हम लोग के लिए इसमें तड़का दाल। और गाइस ये देखिए, ये खीर, यहाँ पे आज बन रहा है अच्छा वाला चावल, मतलब कि वो एकदम खिला खिला सा चावल, जीरा वाला, और पूरी का चावल। गाइस ये देखिए, ये नाना के लिए सब्जी और गर्मा गर्म, ये देखिए आलू का मसालेदार सब्जी, नाना तो बस आलू ही खाते हैं, उनको ये सब नहीं पसंद। और ये सैलेड और पापड़, ये देखिए गाइस परफेक्ट थाली। गाइस इतना मस्त लग रहा है ना खाना, मैं क्या बताऊं, वेज फूड बहुत पसंद, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। कचौड़ी, ये सब देखिए, नाना की आलू की सब्जी भी बड़ी गजब लग रही है, इसीलिए ना रोज खाते हैं। वाओ, बहुत अच्छा थाली है गाइस, बहुत मस्त खाना, बहुत मस्त लग रहा है मम्मी, क्या ही बताऊं, इतना टेस्टी। इसने तो मेरे नॉनवेज को बीट कर दिया, इतने अच्छे थाली ने। वाओ, इतना अच्छा थाली तो होटल में का, हाँ निकाल रहा हूँ, इतना अच्छा थाली तो होटल में भी नहीं मिलता। अब मिलते हैं आपसे बाद में खा के। देखिए गाइस, मैंने पूरा प्लेट साफ कर दिया, दाल चावल भी मैंने लिया ही था जैसे कि आपने देखा, और गाइस मज़ा आ गया खा के। ये देखिए गाइस, अब डॉली दीदी ने भी स्टेटस लगा दिया, और डॉली बाबू की तरफ से उसने स्टेटस लगा दिया, ये देखिए चमक छल्लो भी आ गई, तो हमारा फोटो खींच रहा। हाँ तो क्या कहना चाहोगी, मेरा आज बर्थडे है, बर्थडे है खाए जा, तुमको सिर्फ खाने की पड़ी है, मेरे को हैप्पी बर्थडे नहीं बोली अभी तक। हैप्पी बर्थडे तो जब हो तब बोलेगा। अरे जब केक को कटाए जाएगी
तब बोलन जाई हैप्पी बर्थडे मेरे को बोलो मेरे को हैप्पी बर्थडे बाबू हां थैंक यू ये भी अच्छा साड़ी तो आज पहन के आई हो ये पुरान साड़ी पहले में कहां से छाईबा गाइस यहां पे छम्मक छल्लो खा रही हैं लड्डू रसगुल्ला उजर का हाँ रसगुल्ला और बताइए खा के बताओ कैसा लग रहा है अभी और खाना भी है बहुत अच्छा अच्छा खाओ खाइए लेकर उसका खाना खाए क्यों नहीं और ये बर्थडे के 100 रुपया ठीक है हाँ मिल गए खाओ खाओ तो गाइस यहाँ पे छमक छल्लो खाना खा रही हैं बताओ खा के कि मशरूम पनीर मशरूम का सब्जी पनीर बूढ़ी कचौड़ी घी दाल मटर के मटर मटर चना का दाल मिक्स वेज कैसा लग रहा है बहुत अच्छा हाँ तुम खाई हो हाँ हाँ अच्छा लगा है हाँ फिर चावल दाल भी लो और खा लो खा के चावल दाल लगा हाँ चावल दाल मिक्स वेज खाओ खाओ मजा करो जिन लोगों का इंतजार करते करते मैं सो गया था इतनी लेट आए हैं ये लोग क्या कर रही थी हाँ छोटी मम्मी यहाँ पे है दीदी ये तुम लोग की वजह से मैं सो गया बताओ इंतजार जग गए हो ना उससे क्या मेरे को नींद आ रहा है अब सोना नहीं है और भैया बोलो हाय कर दो देखो भैया देखो हेलो हेलो आ रही है चमक छल्लो इतना लेट तक सोया फिर भी चमक छल्लो खाना वाना खा ली लेट तक नहीं 7 बजे जल्दी से खाना खाओ तुम लोग भी खाओ दीदी भी खा रही है अभी मिठाई और अभी ये लोग खाना खाएंगे खाना भी खाएंगे तो बताऊंगा आप लोगों को कि इन लोगों को कैसा लगा खाना गाइस ये देखिए यहाँ पे भैया खाना खा रहा है तो भैया अच्छा अभी पूरी इसको नहीं मिला है तो अभी खा के बताएगा आप लोगों को कि खाना कैसा लग रहा है हाँ ये दोनों मेरा गाइडेंस के अंदर बना है तो बताना दीदी का प्लेट देखिए गाइस दीदी खा के बताओ ये और ये मेरे गाइडेंस के अंदर बना है तो बताना कैसा बना है ठीक है वैसे मेरे को पूरा घमंड है कि अच्छा तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना है बिल्कुल भी नहीं पर देख और गाइस ये देखिए यहाँ पे हल्की हल्की सी बरसात हो रही है मतलब इतना अच्छा लग रहा है गाइस कि बारिश का मौसम हो गया और एकदम ठंडा इतने दिन से लगातार बारिश हो रही है और बेचारी छमक छल्लो छाड़ी कुछ अलग वही ना अब क्या करोगी अब क्या करेगी पटाएगा तो जाएगा पटाएगा हाँ तब तक ताकेंगी और तुम क्यों खाओगी इनका नाम है विजय लक्ष्मी और इनका नाम है राज लक्ष्मी दोनों बहनों का राज और विजय मेरा नाम क्या है सौरभ छोटू सौरभ सौरभ अरे आए, 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 एक्स्ट्रा हो रहा है ये सब यूट्यूब पे गाइस तो अब देख ये लोग कैसा लग रहा है मशरूम खाने तो नहीं देने यूट्यूब पे जाएगा ही खा लो खा देखिए गाइस व्लॉगर्स को ये लोग ढंग से खाने नहीं देते गाइस ये अपना प्याज और टमाटर सब निकाल के एकदम टमाटर एकदम मशरूम की सब्जी और आलू पनीर मटर पनीर मिक्स पे हाँ मटर मशरूम है गाइस तो ये है मिस वेज की सब्जी कैसी लग रही है रश्मि दी
और बड़ू बड़ू बहुत अच्छा ठीक है गाइस, अब मिलते हैं बाद में। ये रक्षाबंधन वाला चीज मत बोलो फिर से। सो बस गाइस, मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो बाकी का जो पार्ट है आधा, वो मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो वही आप लोग अगला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट वन है और वो ब्लॉग पार्ट टू होगा, बर्थडे ब्लॉग पार्ट टू। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, और चैनल पे कल आ जाएगा ये। तो वही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय, मिलते हैं। अगला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। उसमें होटल है, मंदिर है और थोड़ा मस्ती है, तो ज़रूर देखना।